हेलो स्टूडेंट, मौर्य विद्याप्रिया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अपना सिलेबस चल रहा था सी प्लस प्लस के अंदर, आज अपने सी प्लस प्लस के अंदर देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और उनका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, इनपुट और आउटपुट ये आपको नाम से पता चल रहा है कि इनपुट क्या करेगा और आउटपुट क्या करेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ उसके बारे में कि ये किस प्रकार से वर्क करता है सी प्लस प्लस के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझना चाहता हूँ कि वो क्या होता है, किस प्रकार से इनपुट होता है, किस प्रकार से आपका आउटपुट होगा। देखो, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, मैंने इसमें आपको इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को समझाने के हिसाब से। इनपुट आउटपुट को समझने से पहले अपने को एक शब्द समझना पड़ेगा, इसका नाम है स्ट्रीम। क्या है इसको बोलते हैं, इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम बाइट ऑफ सिक्वेंस है, यानी सिक्वेंस जो बाइट से क्या है, लगातार क्रम है। इसमें क्या करता है कि आपका डाटा फ्लो करता है, इसमें क्या करता है आपका डाटा फ्लो करेगा, यानी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, उसमें क्या करता है आपका डाटा फ्लो करता है, उसको बोला जाता है स्ट्रीम। तो आपका ये इनपुट स्ट्रीम है और ये आपका आउटपुट स्ट्रीम है। सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी मान है या कोई वैल्यू या कुछ भी चीज है, आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसको एंटर करते हैं, कास्ट एंटर होगा आपका इनपुट स्ट्रीम में एंटर होगा, और इनपुट स्ट्रीम से वो एंटर होगा कहां जाएगा, वो एक्सट्रैक्ट होगा। क्या होगा, एक्सट्रैक्ट मतलब उस पर कार्य होगा, फिर आपका वो प्रोग्राम में यूज आएगा, फिर प्रोग्राम में यूज होने के बाद में वो आपका क्या होगा, इंसर्ट होगा, और फिर आपका कहाँ आएगा, वो आउटपुट स्ट्रीम में आएगा, फिर आउटपुट स्ट्रीम से होते हुए कहाँ जाएगा, आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। तो आप ये जो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ये कहाँ होता है आपका, आप सी प्लस प्लस में एक हेडर फाइल यूज करते हैं जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम। कौन सा है, आईओ स्ट्रीम, आप हेडर फाइल यूज करते हैं डॉट एक्स। तो आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब हो गया आपका आउटपुट और स्ट्रीम। ये इनपुट और आउटपुट क्या है, एक स्ट्रीम फाइल होती है। इसमें क्या होता है, ये आपकी एक हेडर फाइल होती है, मेन फाइल होती है, आप बोल सकते हैं कि मेन क्लास होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी इनपुट के लिए आई स्ट्रीम और आउटपुट के लिए ओ स्ट्रीम, क्या होते हैं आपके ये क्लास होते हैं, जो इसको आपके इनपुट और आउटपुट को क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम में इंसर्ट और आउटपुट को आपको ये दिखाने का काम करते हैं। तो ये आपका आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, ये दोनों क्या जो क्लासेस क्या है, ये आपके इस हेडर फाइल में उपलब्ध होती है। यानी आप जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आप हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं, तो हेडर फाइल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम डॉट एक्स। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम के अंदर क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट का यूज करना चाहते हैं, आप इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करना चाहोगे या करोगे, तब आप क्या करोगे, हेडर फाइल का
यूज करना जरूरी है। अगर हमारी आप हेडर फाइल नहीं लगाते हैं तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर आप इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, आप आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट। क्या है सी आउट? सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है आपकी एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो ये आपका सी आउट क्या है, सी आउट आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। और उसी प्रकार से सी इन, सी इन भी आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि इसके साथ में इंसर्शन और इसके साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके साथ में इस प्रकार का और इसके साथ में ये ऑपरेटर आपका, ये इंसर्शन ऑपरेटर है और ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था स्पेशल ऑपरेटर के अंदर इनका यूज बताया था मैंने आपका, इंसर्शन का और एक्सट्रैक्शन का, तो इनका प्रयोग आप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम को आप क्या करें कि आप यूजर से कोई वैल्यू मांग रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऊपर हेडर फाइल है आपकी जो मेन फंक्शन में, आपको केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने लिखा एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू इन ए एंड बी, और मैंने क्या किया सी इन ए और बी, मैंने दोनों के लिए मान ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सी आउट टोटल, ये तो मैसेज आ जाएगा, फिर मैं क्या कर रहा हूं ए प्लस बी कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये आपके इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट है, ये आपका आउटपुट स्टेटमेंट है। आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग आप किसी वेरिएबल के मान को दिखाने के लिए, यानी उस वेरिएबल में क्या मान आपका आया है उसको देखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम का या आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। जबकि इनपुट क्या करता है कि इनपुट आपका किसी वेरिएबल में मान को इंसर्ट करवाने के लिए, मान को लेने के लिए प्रयोग में आता है, यानी जो यूजर आपका इनपुट करता है कोई वैल्यू क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, वह आपको क्या करना है वेरिएबल में आपको डालना है। तो आप इस प्रकार किस प्रकार से प्रयोग करोगे मैं बताता हूं आपको एक तरीका। आप सबसे पहले क्या लिखते हो सी, पहले मैं बताता हूं आपको इनपुट के बारे में, क्या लिखा आपने सीन, सीन क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा आपका कहां आएगा, ये है आपका कीबोर्ड, क्या है आपका कीबोर्ड, आप कीबोर्ड के द्वारा क्या करेंगे वैल्यू को इनपुट करेंगे, फिर उससे क्या आएगा आपका, उसके बाद में आपका आएगा सी इन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मैं आपको इनपुट के बता रहा हूं, सी इन के बारे में बता रहा हूं कि सी इन में क्या होता है कि आप सबसे पहले कोई वैल्यू कीबोर्ड के द्वारा इंसर्ट करते हैं, वो आपका स्क्वायर आता है पहले सी इन ऑब्जेक्ट के साथ, सी इन ऑब्जेक्ट में आता है, फिर उसके बाद में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो आपका ये है इसका प्रयोग करते हैं, फिर आपका क्या होता है वो मान वेरिएबल में आपका स्टोर हो जाता है, यानी आपने क्या किया यूजर सबसे पहले कीबोर्ड से कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, तो वो कहां आएगा सबसे पहले आपके सीन ऑब्जेक्ट के अंदर, सीन ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लिखा जाएगा आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर क्या करेंगे कि जो मान या जो वैल्यू आपने दी है या यूजर ने दी है वो आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मान आपका जो मैंने मान मांगा था कि ए और बी मान दीजिए, तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले मान मैंने कहां दिया कीबोर्ड के माध्यम से दिया, मैंने मान लीजिए मैंने 10 दिया और मैंने एंटर दिया, फिर मैंने क्या दिया 20 मान दे दिया, तो ये 10 और 20 क्या हुआ
आपका सीन ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास में आएगा, फिर आपका ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इसमें ए में मान और बी में मान, यानी ए में 10 और बी में 20 आपका इंसर्ट कर देगा, यानी ये आपके वेरिएबल है इसमें ये मान डाल देगा। तो ये काम कौन कर रहा है आपका, सी इन यानी इनपुट स्टेटमेंट या इनपुट स्ट्रीम या फिर यूज में ले रही है। अब उसी तरह क्या आउटपुट क्या बताता हूं मैं आपको, सी आउट, आउट में क्या करते हैं अपने सी आउट का प्रयोग करते हैं। सी आउट में क्या होता है, सी आउट में आपकी सबसे पहले क्या होती है, स्क्रीन, स्क्रीन हो गया आपका, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर सॉरी मैं जो क्या फॉगर लिख दिया, यहां पहले आपका क्या आएगा, यहां आएगा आपका सी आउट आएगा, सी आउट आएगा, फिर यहां आएगा आपका इंसर्शन ऑपरेटर, क्या आएगा आपका इंसर्शन ऑपरेटर, तो आपका ये है, फिर ये आपका ये यहां पर क्या है वेरिएबल, यानी कोई वेरिएबल का मान आपको देखना है तो क्या होगा, वो आपका इंसर्शन ऑपरेटर, फिर सी आउट, फिर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे इस प्रकार हुआ है। इसमें क्या हो रहा है आपका कि मुझे ए और बी का मान देखना है, तो ए बी आपके क्या आ गया वेरिएबल आ गए, फिर आपका क्या आ गया इंसर्शन ऑपरेटर आ गया, ये तो मैसेज है आपका, फिर क्या आ गया आपका सी आउट, यानी आपका ये भी इंसर्शन ऑपरेटर, मैंने क्या किया है मैंने कास्टिंग का प्रयोग किया है, कास्टिंग ऑफ क्या नाम, क्या नाम बोलते इसको, आउटपुट स्टेटमेंट का, यहां पे मैंने क्या लगाया इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, फिर आपका क्या हो गया सी आउट, जो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि आपके वेरिएबल का मान आपके स्क्रीन पर दिखा देगा, यानी 30, 10 और 20 कितना होता है 30, आपको ये आपको दिखा देगा कि इसका मान कितना आया है 30 आया है। तो आप इस प्रकार से C++ भाषा के अंदर इनपुट और आउटपुट का प्रयोग करते हैं, स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, इनके लिए इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी क्या होती है io stream.h हेडर फाइल में उपलब्ध होती है। अगर आप C++ भाषा के अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको यह हेडर फाइल पहले आपको प्रोग्राम से पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ एक बात और, मैं आपको ये इनपुट और आउट का नाम है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जब आपका टॉपिक आएगा ओवरलोडिंग का, उसमें मैं आपको बताऊंगा ढंग से कि इनपुट स्ट्रीम क्या होती है और आउटपुट स्ट्रीम और क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।